भारतीय इतिहास की वह महान रानी जिसने मात्र अपने देश और धर्म की रक्षा ही नहीं की अपितु विरोधियों को इतना घातक मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसके बाद कभी भी उसके राज्य की ओर आंख उठाकर देख नहीं सके। आइए जानते हैं भारत की महान वीरांगना महारानी नायिका देवी के बारे में, जिसने मोहम्मद गोरी जैसे क्रूर इंसान को भी नपुंसक बना डाला था। महारानी नायिका देवी दक्षिण भारत के कदंब राजवंश के महाराजा परमंडी की पुत्री थी। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी, वीर और युद्ध कौशल में निपुण थी। इनका विवाह पश्चिमी चालुक्यों के महाराजा कुमारपाल के पुत्र अजयपाल से हुआ। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन 1175 में महाराजा अजयपाल की अकारणवश मृत्यु हो जाती है। तब दरबार के मंत्रियों द्वारा सलाह बनाकर उनके पुत्र मूल राज को राजा बनाकर राज्य का नियंत्रण और देखभाल महारानी नायिका देवी को सौंप दिया जाता है, क्योंकि उस समय पुत्र मूल राज बाल अवस्था में थे और वह राज्य को नहीं संभाल सकते थे। महाराजा अजयपाल की मृत्यु के बाद चालुक्य राज्य के ऊपर शत्रुओं की दृष्टि पड़ गई, क्योंकि उस समय चालुक्य राज धन धान्य से संपन्न था और वहाँ की प्रजा भी बहुत धनवान और खुशहाल थी। तुर्की आक्रमणकारी जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वह समय उनके हाथ लग गया था। कुछ समय तो राज्य का शांतिपूर्वक समय बीता, लेकिन एक दिन राज्य में घोर विपत्ति का अंधेरा छा गया। महारानी नायिका देवी के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि तुर्की आक्रमणकारी हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वह किसी भी समय हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। 1178 ईस्वी में तुर्की लुटेरा मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना के साथ मुल्तान से होते हुए नायिका देवी के राज्य पर आक्रमण करने के लिए तेज गति से उनकी ओर आगे बढ़ा और आबू पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में अपना सैन्य शिविर डाला, क्योंकि आबू पर्वत चालुक्यों की राजधानी से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी में था। मोहम्मद गोरी ने युद्ध से पूर्व रानी नायिका देवी को संदेश पत्र भिजवाया कि तुम अपने बच्चों के साथ मेरी बेगम बन जाओ और अपने राज्य की सभी महिलाओं, कन्याओं और धन दौलत को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य में खून की नदियां बहा दूंगा। महारानी नायिका देवी ने अपने सेनापति रामवीर से पत्र भिजवा कर यह कहा कि मैंने मोहम्मद गोरी की सभी शर्तें मान ली हैं। राजमाता ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने राज्य को गोरी के आक्रमण से बचा लिया। अपने राज्य की माताओं और नाबालिग कन्याओं को सुरक्षित रखने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा कलहर देव चौहान के पास भेज दी। उधर जब यह खबर गोरी के पास पहुंची कि राजमाता ने बिना युद्ध किए ही हार स्वीकार कर ली है और मेरी शर्तों को मान लिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जश्न की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह मात्र एक छलावा है। प्रजा को सुरक्षित करके रानी नायिका देवी अपने दोनों पुत्रों को पीठ पर बांधकर घोड़े में बैठकर गोरी के शिविर की ओर जाने लगी। रानी नायिका देवी से निकलने से पहले ही कुछ सैनिकों ने आबू की पहाड़ियों में छिप गए और भेष बदल कर गोरी के शिविर में जा घुसे, जिसके बारे में गोरी को कुछ पता नहीं चल सका। मोहम्मद गोरी अपने शिविर से निकलकर चालुक्यों की सेना की ओर देखने लगा और उसने देखा कुछ घुड़सवार उसके सैन्य शिविर की ओर आ रहे हैं, और पास आने पर उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर उसकी ओर चली आ रही है। मोहम्मद गोरी इस भ्रम में था कि राजमाता ने हार स्वीकार कर ली है। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, राजमाता का घोड़ा अचानक से रुक जाता है और गोरी के सैनिक शिविर में छिपे राजमाता के सैनिकों ने हर हर महादेव के नारे के साथ मुस्लिमों के ऊपर आक्रमण कर दिया और हाहाकार मचा दी। इसी बीच राजमाता नायिका देवी की सेना ने मोहम्मद गोरी को चारों ओर से घेर लिया। उधर नायिका देवी ने दोनों हाथों में तलवार लिए गाजर मूली की तरह मोहम्मद गोरी की सेना को काटते हुए वह मोहम्मद गोरी के पास पहुंच जाती है। उनको देखकर गोरी डर जाता है और वहां से भागने लगता है,
लेकिन राजमाता नायिका देवी और उनकी सेना मोहम्मद गोरी का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नायिका देवी ने इतना खतरनाक मोहम्मद गोरी के ऊपर वार किया कि एक ही वार में मोहम्मद गोरी मूर्छित हो जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी के कमर के नीचे ऐसा वार किया जिससे वह जीवन भर के लिए नपुंसक हो गया और यही कारण था कि मोहम्मद गोरी की कोई भी संतान नहीं थी। इसके बाद 11 साल तक मोहम्मद गोरी भारत की ओर देखा भी नहीं। जब नायिका देवी की मृत्यु हो गई तब मोहम्मद गोरी उत्तर की ओर से आते हुए जयचंद राठौर की सहायता से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करके उनकी हत्या कर देता है। लेकिन इसके बाद भी 1196 से लेकर 1198 तक दक्षिण भारत के एक और महान योद्धा सम्राट जयत्रपाल यादव मोहम्मद गोरी को 3 बार बुरी तरह पराजित करते हैं। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बादशाह बनाकर वापस अपने देश को लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में खोखार के अहीरों ने उसकी हत्या कर दी। तो ये था महान महारानी नायिका देवी का असली इतिहास। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच जाए।